हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर खान आरके म्यूज़िक एकेडमी गोमो से। हमारा एकेडमी गोमो धनबाद झारखंड में है और मैं काफ़ी दिन से क्लास नहीं दे पा रहा था। मेरा ऑक्टोपैड थोड़ा सा ख़राब हो गया था, बनने गया था, तो आज मैं आप लोगों को बहुत इजी चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, पैच बनाने का तरीका। ऑक्टोपैड 20 में पैच बनाने का तरीका, बहुत सारे फ़ोन करते हैं कि पैच नहीं बना सकते हैं, एकदम इजी तरीका है। मैं सारा बहुत सारा वीडियो में पैच बनाने का तरीका डाला हूँ, इसमें मैं खासकर पैच बनाने का तरीका ही डाल रहा हूँ। तो रेडी हो जाइए गाइस, रेडी। पहले हम क्या करेंगे ना, पहले सेलेक्ट कर लेंगे नंबर। जैसे मैं 12 नंबर पैच में बना रहा हूँ पैच, ठीक है। देखिए 12 नंबर में है, पिच 12 है, पैच 12 में मैं एक, ये हो गया 8 घर होता है 20x में, आपको पता है, ये बटन्स वगैरह है, ठीक है, ओके। तो पहले हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 घर होते हैं। और पहला हम लोग क्या करेंगे, कोई भी पैच बनाने का तरीका देख लीजिए। पहला यहाँ पे कोई भी घर सेलेक्ट करना, जैसे यहाँ पे हमको, मैं यहाँ पे कॉन्गो को यूज़ किया हूँ, ठीक है, कॉन्गो को यूज़ किया हूँ। तो पहले क्या करना है हमको, पैड एडिट बटन, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये देख रहे हैं एडिट बटन दिया हुआ है, यहाँ पे प्रेस करना है एडिट बटन। एडिट बटन प्रेस करते ही देखिए यहाँ पे बीप करने लगेगा, बैंक ए, इसका मतलब हम लोग बैंक ए में करेंगे। देखिए यहाँ पे जो मैं लगाया हूँ ये घर पे L11 लगाया हूँ, कॉन्गो ओपन, ठीक है, तो इस घर में हम लगाए हैं। देखिए यहाँ पे एडिट कर लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेलेक्ट करना है, ठीक है, सेलेक्ट करना। देखिए यहाँ चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, देखिए L12 हो गया, L10 हो गया, चेंज हो रहा है। इससे चेंज किससे हो रहा है, चेंज देखिए यहाँ से हो रहा है, ये से चेंज होता है, ठीक है। पिच पैच वॉल्यूम लिखा हुआ प्लस माइनस, इससे चेंज होता है, इससे क्या होता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट चेंज होता है। देखिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है INS शॉर्टकट में, देखिए है ना। तो यहाँ पे आएगा एडिट बटन, जैसे टिपेगा तो ये बटन जलने लगेगा, ठीक है, ये बत्ती जल रहा लाइट, ये बत्ती जलेगा, इससे पैच चेंज होगा, आपको बता दिए, ठीक है। ये दो बटन जो देख रहे हैं, ये दो बटन, इससे देखिए ऊपर नीचे होगा, देखिए इसको नीचे कर रहे हैं, देखिए आ रहा है नीचे, आ रहा रेड बत्ती, रेड लाइट जो नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा, देखिए, ठीक है। बहुत सारे लाइट नहीं समझते, बत्ती समझते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या, इसमें इंस्ट्रूमेंट है, सबसे ऊपर वाला में इंस्ट्रूमेंट का आवाज़, इंस्ट्रूमेंट आप कुछ भी लगाना है, यहाँ पे तबला लगाना है, बेस लगाना है, जैस लगाना है, कैटल लगाना है, कुछ भी लगाना है, जो भी सेलेक्ट करना है आप अपना इससे खोज लेंगे, यहाँ इंस्ट्रूमेंट में मिल जाएगा आपको। उसके बाद क्या करेंगे, इससे नीचे आएंगे, ठीक है, इससे एक बार नीचे आएंगे, देखिए आया नीचे लेबल। अब लेवल मेरा क्या है, लेवल अपना जो भी डिसाइड करना है लेवल रख लीजिए, लेवल देखिए 15 है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे लेवल कम बेसी होता है, इससे प्लस माइनस है जो, इससे कम बेसी होता है, ठीक है। देखिए इससे लेवल कम बेसी हो रहा है, देखिए 13 हो गया, 15 हो गया, ठीक है, 14 13, देखिए इससे होता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसके बाद आएंगे पीछे, इसके बाद नीचे आएंगे एक, इससे नीचे आए पीछे, पिच कितना है, स्केल, पिच का मतलब स्केल होता है, जैसे आप हारमोनियम से कभी भी कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये स्केल है, देखिए याद रखिएगा, पिच का मतलब स्केल है, जो बोलता है कि सी शार्प, सी से गा रहे हैं, डी से गा रहे हैं, ए से गा रहे हैं, ठीक है। बहुत को हिंदी में बोलता है काली एक, काली दो, काली तीन, चार, पाँच, छः, जो भी अपने स्केल से गाते हैं उस स्केल से यहाँ चेंज होता है, चेंज यहाँ से होता है ही प्लस माइनस से, ठीक है। देखिए चेंज हो रहा है, 1 2 हो गया, अपना जो भी मिलाना है सुर मिला लिए, यहाँ से सुर मिलता है, याद रखिएगा पिच से। अब इसके बाद देखिए डीले दिया हुआ है, यहाँ डीले दे दिए नीचे आए इससे, ठीक है। डीले, डीले का मतलब क्या है, थोड़ा सा भरा भरा लगेगा आस, ठीक है, डीले रहता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। पेन दिया हुआ सेंटर है, लेफ्ट राइट का दिया हुआ है ऑप्शन, उसमें सेंटर कर लीजिएगा, जिसको लेफ्ट सुनना है हेडफोन में उसको अपना लेफ्ट राइट। कर्व आपका है, इसमें क्या है ना, बहुत अच्छा फंक्शन ये, जैसे EX4 है,
तो धीरे मेरा क्या भाई एक्सपोर, मतलब धीरे मारेंगे धीरे बजेगा, जोर से मारेंगे तो जोर से बजेगा, जैसे टच कर रहे हैं धीरे बजेगा, जोर से मारेंगे जोर से बजेगा। ये AX4 में है, बहुत सारा फंक्शन दिया हुआ है इसमें, ठीक है। सॉफ्ट सॉफ्ट है, हार्ड मारेगा तो हार्ड बजेगा, कौन सा मतलब नॉर्मल हो गया ही, ठीक है। अब इसमें जैसे हार्ड में है, हार्ड मारिएगा तभी आवाज करेगा, धीरे मारिएगा तो आवाज नहीं करेगा, सॉफ्ट में सॉफ्ट मारिएगा तभी सॉफ्ट में आवाज करेगा, जोर से मारिएगा तो आवाज नहीं करेगा। इसलिए हम ज्यादा यूज करते हैं EX4। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे FX7 में, मतलब इसको आस है, क्या देना आस को, कॉन्गो बजा रहा, कॉन्गो देखिए कितना आस के साथ बजता है भाई, आस के साथ बजता है, ठीक है। ओके ये हो गया कंप्लीट आपका। अब बैंक बी में जाना है, जैसे हम बैंक ए का भी काम कर रहे थे, ठीक है। अब बैंक हमको बी में जाना है, तो बैंक बी जाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक ए बी, इसको प्रेस करेंगे ना, इसको दबाएंगे, इसे दबाएंगे तो देखिए बैंक बी बीप करने लगता है, कर रहा है। सेम कंडीशन वहाँ पे मैंने क्या लगाया है, यहाँ पे मैंने घुंघरू का आवाज़ लगाया है L27 में, ठीक है। वही सेम कंडीशन यहाँ से चेंज होता है, ठीक है। तो L27 लगा लिए, ठीक है। अब इससे नीचे आएंगे, वही लेवल, इससे नीचे आना है, ठीक है। इससे नीचे आएंगे, वही लेवल होगा, पिच वगैरह सेट कर लिए, डीले लगा लिए अपना, जो भी मैंने पहले बताया सब देख लीजिए। सेम कंडीशन होगा जैसे ए बैंक में लगाएं, बी बैंक अपना जैसा जैसा आस के साथ काम करना, ठीक है। काम हो गया, अब हमको क्या करना है ना, ये चार बटन दिया हुआ है ना, यहाँ देखिए मैंने डीले लगाया हुआ है, देखिए यहाँ पर डीले, ये जो दूसरा बटन है A1 2 तीसरा बटन है जो, ये मैं प्रेस किया यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर डीले का ऑप्शन आ गया, D1 है, D2 है, डीले है, सब है, पेनिंग डिले 2 है, सारा चीज़ दिया, इफेक्ट वगैरह जितना रिपब वगैरह सब आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं D1 का यूज़ किया हूँ अभी, ठीक है, ठीक है। और भी क्या है सिस्टम, बहुत सारा सिस्टम है इसमें, सेव वगैरह का है, कार्ड में कार्ड अगर लगा रहता अभी इसमें जाते, यहाँ पीछे चिप दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। चिप को लगा लीजिए पीछे में, चिप लगा के बाद सेव का ऑप्शन है ना, सेव के बाद यहाँ पे क्या होना, इंटर, इंटर जो प्रेस देखे बीप कर रहा है, इंटर कीजिएगा तो ये पैच क्या होगा, जाके चिप में सेव हो जाएगा। ओके तो हमको अभी सेव नहीं करना है। ओके अब आगे हम लोग वापस तो गाइस, फिर सेम कंडीशन 1 में यहाँ पे जो बना लिए AB बैंक, फिर सेम वही करना है, पहले टच करना है फिर उसके बाद पैच बनाना है। पैच बनाने का तरीका आसान है, और आप लोग जो भी दूर से कॉल करते हैं मेरे को, तो प्लीज़ कॉल करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं स्कूल रहता हूँ या प्रोग्राम्स वगैरह में रहता हूँ, ठीक है। तो मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ, और काफ़ी दूर आप लोग रहते हो, मैं धनबाद झारखंड में रहता हूँ, मेरे पास आना पॉसिबल नहीं है। तो आप पैच बनाने सीखिए, और आसान तरीका, कोई बड़ी बात नहीं है पैच बनाना, ठीक है। तो गाइस मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।